नमस्कार दोस्तों अल्फा ऑफिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हम देख रहे थे आर एस मीनस का रिवीजन मॉड्यूल और वो रिवीजन मॉड्यूल में हमने पांच लेक्चर्स सोशियोलॉजी के कर लिए लास्ट लेक्चर में हमने चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी में डाउरी देखा था है ना दहेज प्रथा क्या होती है फिर डाइवोर्स तलाक के बारे में कुछ बातें की थी और उसके बाद में चाइल्ड मैरिज़ के बारे में बात की थी है ना तो ये तीन हमने चैलेंजेस देख लिए थे आज हम देखो चैलेंज देख रहे हैं करप्शन का और कम्युनलिज्म का अब आप कह सकते हो वैसे करप्शन कोई पढ़ने की चीज़ है तो करने की चीज़ है पर कम्युनलिज्म और करप्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो हम इसको देखते हैं एक एक करके कि करप्शन होता क्या है करप्शन की परिभाषा क्या है सेकंड ए करप्शन के बारे में क्या कहता है चाणक्य जी करप्शन के बारे में क्या कहते हैं आईपीसी करप्शन के बारे में क्या कहता है और जो भारत भारतीय न्याय संहिता वाला है वो प्लीज़ आप चेक कर लेना मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता टाइम नहीं मिल पाया पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया

जिक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी है आपको मोनोपोली मिलेगी किसी चीज की प्लस आपका डिस्क्रिप्शन उसमें जरूरी जरुर, होगा जब ये दोनों चीजें होंगी उसमें से आप अगर अकाउंटेबिलिटी घटा दोगे तो उसको करप्शन सेकंड एआरसी सेकंड एआरसी तो पता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है वो सेकंड एआरसी यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो इसको आर्क मत पढ़ लेना ये ए है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फिर चाणक्य कहते हैं कि जब एक मछली जो तालाब में से पानी पीती है या समुद्र में से पानी पीती है तो सिमिलरली उसको मतलब वो पानी को पता लगाना कि मछली ने कितना पानी पिया है कि नहीं पिया है सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसका मिसयूज

तो हमने देखो इजी वाली भी देख ली है और डिफिकल्ट वाली भी देख ली है तो आप दोनों में से चाहो वो जो भी कवर कर लेना फिर एक जी पी आई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है ये एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके द्वारा निकाला जाता है इसमें भारत की रैंक देखो वन में से नाइनटी है बहुत ही बढ़िया रैंक तो नहीं है ये ऑन अ स्केल ऑफ जीरो टू हंड्रेड जीरो बींग द हाइएस्ट करप्शन और हंड्रेड बिंग द लोएस्ट तो इंडिया का स्कोर इसमें है थर्टी ये थोड़ा सा याद रख लेना कहीं पर भी कोट करने के लिए वैसे मैं आपको बताऊँ तो अच्छा मेरे पास अभी वो होगा नहीं फिर तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करके दूं जिसमें जितने भी इंडेक्सेस आए हुए हैं उसमें इंडिया की रैंक और किसके द्वारा निकाले जाते हैं क्योंकि कहीं पर भी वो कोर्ट करने में मदद मिलती है फिर टाइप्स ऑफ करप्शन की बात करें तो जो चीफ विजिलेंस कमीशन है या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सी है ना उसने तो सताइस टाइप के करप्शन बता रखे हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं इसमें से देखो आठ पढ़ेंगे और आठ में से अगर आपको चार याद आए पांच याद आए तो अच्छा है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो सकता है गिविंग इन बेनिफिट टू समन बाय मैनिपुलेटिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स रूल्स नहीं है रूल्स एंड प्रोसीजर फिर पॉलिटिकल करप्शन की बात करें तो बाई पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम बाइंग वोट्स टू फॉर्मुलशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज है ना आपको पता है पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाने के लिए पैसे लिए जाते हैं तो ये भी पॉलिटिकल करप्शन में ही आ जाता है पब्लिक करप्शन है यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक फॉर पर्सनल गेमस ठीक है आपने पीडीएस सिस्टम बनाया था आप खुद ही उसका अनाज भेज दे रहे हो पब्लिक करप्शन है ग्रैंड करप्शन विच डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ हाई ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस है ना ऑफिशल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में जो नेक्सेस है जो इनके संबंध है सिक्सटी नॉट्स के है ना साठ गांठ के तो वो संबंध ग्रांड करप्शन में आ जाते हैं पैटी करप्शन कौन सा होगा जो लोअर लेवल पे है कॉल्यूजन uh, करप्शन क्या होगा जो करप्ट प्रैक्टिस विद कंसेंट ऑफ बोथ गिवर एंड ब्राइब टेकर जो देने वाला और लेने वाला दोनों कर रहे हैं तो ये करप्शन या ऑफ करप्शन है कोर्सिव करप्शन ये दोनों थोड़े से याद रखना है न? ना क्योंकि दो नंबर में ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है तो कोर्सिव करप्शन क्या है इट एक्सप्लाइड द वीक द एक्सक्लूडेड द द एंड एंड्राइव कम्युनिटी तो ये कोर्जन है और अदर करप्शन में देखो जुडिशियल हो सकता है पुलिस हो सकता है ऐसे लाखों तरह के हो सकते हैं सी ने सत्ताईस बता रखे हैं तो आपके मन में जो आए वहां पर लिख देना ठीक है फिर स्कोप ऑफ करप्शन की बात करें तो इन एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोसेस जैसे कोल माइंस हो गया मिनरल्स मेटल्स ये सब में फिर पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर जो पब्लिक सर्विसे है चाहे उसमें मनरेगा आ जाता है महात्मा जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो आ जाता है और पीडीएस आ जाता है ऐसे और भी दूसरी चीजें आ सकती है फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर में रिक्रूटमेंट में और प्रमोशन में जो आजकल आप देख रहे हो राजस्थान में बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है और ज़्यादातर हिंदी प्रदेशों में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है फिर इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट जैसे कि होते हैं तो इनमें बहुत बड़ा घोटाला सामने को आता है कई बार और कई बार नहीं भी आते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लाइक रोड्स ब्रिज ब्रिजेस ये तो सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी हो गया है ना राजस्थान में एक डिपार्टमेंट है आरएसआरडीसी ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड और ब्रिजेस और इसके काम करते हैं तो इनमें भी स्कोप ऑफ करप्शन क्या है बहुत हाई रहता है फिर सिम्टम्स और कैरेक्ट्रिस्टिक्स कुछ बताए गए हैं करप्शन के उसमें देखें अनएथिकल एक्ट फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट करप्शन है स्कोप इंक्लूड्स ऑल एरियाज पॉलिटिकल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे जुडिशियल हो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितने एरियाज में है ना उतने एरियाज में करप्शन हो सकता है फिर देर इज पर्सनल बाइस जो ग्रीडी एंड सेल्फिश फीलिंग है ना ये सब uh, वैसे करप्शन होता ही क्यों है? ग्रीड की वजह से ही है गांधी जी का स्टेटमेंट है ना द वर्ल्ड इज इनफ फॉर एवरी वन नीड बट इट के सफाइज एवरी वन ग्रीड

दस का है क्या एक बार ये चेक करना पड़ेगा मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम है 2011 का और आई स्कैम जो है वो 2013 का तो ये वैसे इनकी स्टोरीज बहुत लंबी हो जाती हैं पर स्टिल हमारा मेन्स सर पर है तो हम लोग नहीं वो स्टोरीज में जाएंगे फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल मॉरल और इकोनॉमिक ये कुछ रीजनस हैं करप्शन के अब देखें पॉलिटिकल में क्या रीजन हो, हो सकते हैं क्रिमिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है क्रोनी कैपिटलिज्म है यूज ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस का जो रोल है कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारा वो कॉलोनियल लेगेसी है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इसमें आर टी आई आ जाने के बावजूद भी क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है क्या बहुत कम लेवल पर मान सकते हैं पर इतने लेवल पर नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी फिर फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है देखिए ये जो फेल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो बार बार फेल हुए चाहे फर्स्ट और सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन देख लो चाहे जितने भी अलग अलग कमिटीज या कमिश्न बने उनकी रिकमेंडेशन देख लो कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं की गई फिर डिक्लाइन इन इन मॉरल वैल्यूज ये सोशल और मॉरल रीजन हो सकता है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहे करप्शन हो चाहे कोई भी ऐसी चीज हो उसमें सोशली जो एक्सेप्टेंस अगर मिल जाता है तो फिर उन, जो गलत काम करने वाले हैं उनके इरादे मजबूत हो जाते हैं इंक्रीजिंग मटीरियलिज्म जो मटीरियलिज्म जो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमने लिया या फिर उधर से इन्फ्लुएंस होकर के मटीरियलिस्टिक हुए तो उसकी वजह से करप्शन के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एजुकेशन में हमारे वैल्यूज की मूल्यों की बात नहीं की जाती है इकोनॉमिक रीजन में देखो तो लो पे स्केल है इनकम इनक्वालिटी है हाई शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर है और कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है वैसे मैं आपको बताऊँ तो चलो ये बात की स्टोरी है लो पे स्केल इनकम इनक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम ये सारे रीजनस हैं करप्शन के फिर साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या कुछ करप्शन के और साइड इफेक्ट्स के बाद में हम लोग इसके आगे करप्शन के लिए और मेजर्स देख लेंगे प्रिवेंट करने के और ये करप्शन के बेसिक बात है तो साइड इफेक्ट्स ऑफ करप्शन में देखो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैंने आपको जो एक्निम बताया था पी एस ई आर है ना तो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक और एक सी कर लो इसको तो कल्चरल हो जाएगा ए कर लोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा तो पॉलिटिकल में देखें हार्म टू नेशनल इंटरेस्ट मिस ट्रस्ट इन पब्लिक रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट लैक ऑफ एफिशियंसी है न? या फिर थ्री ई जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बार, बार बार बात की थी अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी जाकर के देख लेना कि थ्री ई क्या है फिर रेड टेपिज्म बढ़ जाता है मिस्ट्रस्ट डेवलप होता है सोशल इंपैक्ट में देखें तो सोशल इनक्वालिटी बढ़ाता है डिक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर लैक ऑफ सोशल जस्टिस इकोनॉमिक इंपैक्ट में बात करें तो पब्लिक एक्सचेकर जो है जो राजकोष है उसको नुकसान होता है इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इकोनॉमिक इक्वालिटी इंक्रीज ब्लैक मनी फिर अदर इंपैक्ट है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी टेरर फंडिंग एंड इंक्रीज इन स्मगलिंग अबैटमेंट टू क्राइम्स तो ये सारी चीजें साइड इफेक्ट्स ऑफ करप्शन है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिन जिन लोगों ने परचेस किए हुए हैं उनको डायरेक्टली मिल ही जाएंगे तो आप ये एक बार रीड करके भी चले जाना बाकी आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं तो मेरा भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं लगा मेजर्स टू प्रिवेंट करप्शन में क्या क्या कैजर्स हो सकते हैं लीगल रेमेडीज हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स और अदर मेजर में एक एक करके देखेंगे लीगल रेमेडीज में देखो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है नाइन का उसको टू में अमेंड किया गया है फिर पी है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है टू का सी बी सी एक्ट दो हज़ार का आर एक्ट दो का लोकपाल एंड लोकायुक्त है ना लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है और एफ

अब जो भी चुनाव लड़ेगा उसको पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में और उसके सोर्स के बारे में बताना पड़ेगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर है तो उसकी लिमिट लगाई हुई है लोकसभा में तो देखो नाइन्टी फाइव लैक्स एंड सेवेंटी लैक्स है जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनके लिए नाइन्टी फाइव लैक्स है और अदर कैंपेनर्स उनके लिए सेवेंटी लैक्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यही लिमिट फोर्टी लैक्स एंड थर्टी टू लैक्स है तो ये इलेक्ट्रोनल रिफॉर्म्स है किस लिए टू टू मेजर द मेजर क्या बोलते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट करप्शन के लिए ठीक है फिर अदर मेजर्स में देखो तो ई e टेंडर्स निकाले जाते हैं निविदा अगर आपको पता हो आपके हिंदी के पेपर में सिलेबस में है ई मार्केट प्लेस है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एआरसी है कुछ कुछ इंप्लीमेंट की भी गई है उनके बारे में बात करें स्ट्रिक्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है The of Act जो है 2018 का उसमें देखो टेकिंग एंड गिविंग ड्राइव दोनों को ही डिक्लेयर कर दिया क्राइम चाहे आप लो चाहे आप दो दोनों ही क्राइम है दोनों को ही जेल होगी प्राय परमिशन ऑफ गवर्नमेंट नेसेसरी बना दी किसके लिए प्रोसिक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉज के लिए इन टू इर्स ये क्विक डिस्पोजल करना होगा और इम जो है इसमें है तीन साल से सात साल तक की सजा है फिर कंक्लूजन की बात करें तो करप्शन इज स्लिपरी स्लोप स्टेपिंग फुट ऑन इट इंश्योर्स गोइंग डाउन द ड्रेन बेसिक स्टेटमेंट है याद रहे तो लिख करके आ जाना मैंने आपको बताया दस नंबर में आता है क्वेश्चन तो कंक्लूजन और बेसिक uh, स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन जरूर लिखना चाहिए फिर कम्युनलिज्म आता है तो हमने जैसे कि पहले कास्टिज्म के बारे में बात की थी सिमिलरली थोड़ा सा सिमिलर या थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है कम्युनलिज्म का कास्टिज्म जो जातिवाद था उसमें कंसेप्ट यह था कि अपनी एक पर्टिकुलर जाति को दूसरी जातियों से इंपॉर्टेंट मानना दूसरी जातियों से ज्यादा ऊपर मानना और उसके प्रति बहुत ज्यादा गर्व की भावना घमंड की भावना होना। गर्व तो पॉजिटिव वर्ड हो गया घमंड की भावना होना कास्टिज्म था वैसे सिमिलरली कम्युनलिज्म क्या है जो कम्युनिज्म जो है वो क्या है डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स वंस कम्युनिटी है ना ये कास्ट और कम्युनिटी में बेसिक डिफरेंस है एंड हेटरेड टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज अब ये अटैचमेंट खुद की कम्युनिटी तक तो फिर भी ठीक था पर दूसरी से हेटरेड है कम्युनिज्म इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी जो इंटलेक्चुअल क्लास है सोसायी उसकी देन ये माना जाता है जनरल पब्लिक इज ओनली इट्स कैरियर एंड द सफर है ना इट्स इल इफेक्ट्स आर द मोस्ट है ना इसका जो uh, जनरल पब्लिक है वो इसके इफेक्ट्स क्या करती है उसको कैरी भी करती है और उसको सफर भी करती है आपको अगर कम्युनलिज्म के बारे में जानना हो तो आप बेसिक कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसको कम्युनिज्म को इसके साथ में कंपेयर कर सकते हो और उसको कैरी कौन करता है उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर आता है तो ये सारी चीजें आपको आइडिया लग सकती है पर हम लोगों को इतनी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ के जाएंगे और बेसिक्स लिख के आएंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जो है बिपिन चंद्रा आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर इनकी किताब पढ़ी हो तो बहुत अच्छी किताब है कम्युनिज्म इज मेजर ऑब्स्टिकल इन द नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन में ये मेजर ऑब्स्टिकल है इन्होंने एक किताब लिखी कम्युनिज्म इन मॉडर्न इंडिया इन विच टॉक्स ही टॉक्स अबाउट क्या थ्री फैक्टर्स ये गिविंग इंपॉर्टेंस टू वंस ओन क्रीड कम्युनिटी है ना या ग्रुप है ये ग्रुप है ग्रुप फिर ट्रीटिंग अदर सेक्ट कम्युनिटीज और ग्रुप्स इन इन डिफरेंट फ्रॉम वन ओन और वंस ओन इंटरेस्ट एज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ अनदर है ना दूसरे के जो रिलीजियस इंटरेस्ट है उनको अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग समझना हमेशा मतलब दोनों की भी तो रिस्पेक्ट की जा सकती है पर एक की खुद के वाले की रिस्पेक्ट करना और दूसरे वाले को बुरा समझना ये कम्युनलिज्म की बेसिक अवधारणा है रीजन फॉर राइज ऑफ कम्युनलिज्म क्यों बढ़ा ये जो कम्युनलिज्म है देखो सबसे पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश है उसकी उसकी वजह से ये बढ़ता है पार्टीशन ऑफ बंगाल नाइनटीन जीरो फाइव में आपको बताएं सेपरेट इलेक्ट्रोट सिस्टम जो नाइनटीन जीरो नाइन में मॉर्लमेंटो रिफॉर्म्स के बाद में कम्युनल अवार्ड जो 1932 के हैं वो फिर हिंदू हिंदू कम्युनलिज्म क्या है शुद्धि मूवमेंट चलाया गया आरएस समाज द्वारा कंसेप्ट ऑफ राम राज्य है उसमें कम्युनलिज्म बढ़ता है मुस्लिम में जो मुस्लिम के कारण जो कम्युनलिज्म बढ़ता है वो क्या है टेम्पल डेमोलिशन जैसे एक्ट काउस लॉटर जैसे एक्ट थ्योरी ऑफ सेपरेट नेशन जो दी गई उसके वजह से कम्युनलिज्म में राइज देखने को मिला फिर और दूसरे रीजन क्या हो सकते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ना तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसके कारण फेक न्यूज हेट स्पीचेस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर क्लास डिविजन पॉवर्टी इलिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिक बेसिक चीजें हैं ऊपर वाले दो तीन पॉइंट याद रखने के हैं ये वाला पॉइंट तो स्पेशली याद रख लेना रीजन फॉर तो दैट लेड टू तो द राइज ऑफ कम्युनलिज्म फिर कॉन्सिक्वेंसिस क्या क्या हो सकते हैं कम्युनलिज्म के वो कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग कुछ मेजर्स देख लेंगे कॉन्सिक्वेंस देखो हिंडस नेशनल इंटीग्रेशन जो आपने अभी देखा जो थ्योरी ऑफ सेपरेट नेशंस है उसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट की उसने दो नेशंस बना दिए लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है ना जो दंगे होते हैं वहाँ पर लार्ज स्केल लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी प्रॉर्टी का इंक्रीज इन म्यूचुअल हेट्रेड और इससे हेटरेड बढ़ती है कोई कम नहीं होती है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनको लगता है कि हमारे साथ में कभी भी कुछ भी ऐसी गलत घटना हो सकती है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी हंडर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेटीरियोरेट्स इमेज एट इंटरनेशनल लेवल ऐसी चीजें होंगी तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इमेज खराब होती है फिर डिसइंटीग्रेट सोशल फैब्रिक ऑफ नेशन प्रमोट्स रिलीजियस फेनेटिसम एंड इनटॉलरेंस एंड इंक्रीज इन इन टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म तो ये बेसिक कॉन्सिक्वेंस है कम्युनलिज्म के चार पांच पॉइंट या आपको याद रखने हैं सारे याद रख करके वैसे याद रह जाए तो रख लेना अच्छी बात है पर नहीं रहते हैं जनरली है ना तो चार पांच पॉइंट कोई भी आप अपने मन से देख करके और चार पांच पॉइंट याद रख लेना फिर मेजर्स टू डील विद कम्युनलिज्म क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल नाइनटीन सिक्सटी टू में स्टैब्लिश किया गया इसके लिए फिर नेशनल फाउंडेशन है ना एन एफ सी एच जो एक संस्था है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी उसको बनाया गया अंडर होम मिनिस्ट्री टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी स्पेशल ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग है, है, है और reducing, जो, जो अलगाववाद था सेपरेटिज्म था वो बहुत बड़ा मुद्दा था पर जैसी जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज हैं वो वहां पर कम होती दिखाई दे रही है तो वहां पर ऐसी अलगाववाद वाली घटनाएं भी कम हो रही हैं फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट आप उनको इंप्लॉयमेंट दे दोगे तो वैसे आपको पता ही होगा खाली जो खाली दिमाग शैतान का घर तो वैसी बात एम्प्लॉयमेंट दे दोगे तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया ये मतलब मेजर्स आप इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हो नेगेटिव में भी लिख सकते हो कम्युलिजम को बढ़ाने का भी यही काम करते हैं इसलिए राजस्थान में तो बाकी जगह का मुझे पता नहीं राजस्थान में तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले इंटरनेट ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि तो उससे जो हेट न्यूज़ का जो फैलाव है वो ज़्यादा होता है फिर रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन रिलीजन है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिलीजन में कम होना चाहिए फिर लास्ट में देखो तो हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स यहाँ पर भी राइट्स लेकर दिया गया है ना ये थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया तो था पर वो हो नहीं पाया शायद सेव तो ये राइट्स है तो ये कुछ राइट्स हैं आप देख लेना मोपला रेबेलियन हो चाहे डायरेक्ट एक्शन डे सिक्सटीथस्ट नाइनटीन फोर्टी का है विच मेड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ना सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान फिर एंटी सिक राइट्स नाइनटीन के कश्मीरी पंडित्स के साथ जो घटनाएं हुई नाइनटीन में बाबरी मस्जिद डेमोल्यूशन है नाइनटीन का गोधा केस जो गुजरात का है टू का डेली राइट्स है दो तो ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री ऑफ कॉमन राइट्स में आप लिख कर आ सकते हो अलग से तो कोई क्वेश्चन दो नंबर का आएगा नहीं वैसे ऐसा पर कहीं पर भी मैंशन करना हो तो मेंशन कर सकते हो ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग काफ़ी सारा तो कवर कर चुके हैं अब चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी में दो टॉपिक्स हैं और एक क्लास में ट्राइबल जो भील मीना और द्रासिया जो ट्राइब्स हैं राजस्थान की उसके बारे में ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच